हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ होंडा वीआरवी का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको पूरी डिटेल रिव्यू मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसके फ्रंट के बारे में बात करेंगे, तो फ्रंट में आप उसके जो हेडलैम्प्स हैं उनको देख सकते हैं। प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स दिए गए हैं इसमें, जो कि बहुत ही बढ़िया है। LED DRS भी इसमें दिए गए हैं और बहुत ही बढ़िया जो है इसका जो है शेप भी इसमें दिया गया है। साइड में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो है फोग लैम्प का ऑप्शन दिया गया है। ये लोअर मॉडल है इसलिए इसमें फोग लैम्प आपको अवेलेबल नहीं कराया जाता कंपनी द्वारा, आप लगवा सकते हैं। और फ्रंट में जो है आप फ्रंट सेंसर भी लगवा सकते हैं। इसमें देखेंगे आप तो इसमें जो है आपको बहुत ही बोल्ड ग्रिल देखने को मिलेगा क्रोम के साथ में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसमें जो रेडियल ग्रिल है वो भी बहुत ही शानदार दिया गया है। इसके जो साइड है उसमें आपको बॉडी में साइड कॉर्नर प्रोटेक्शन भी दिए गए हैं बॉडी के लिए, और पूरी गाड़ी में आपको बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है जो स्क्रैच से बचाने के लिए गाड़ी में दी गई है। ये 16 इंच की अलॉय व्हील्स है, ये जो कंपनी द्वारा है आते हैं वो नहीं है, अलग से आफ्टर मार्केट लगवाए गए हैं। देख सकते हैं आप 16 इंच की अलॉय व्हील्स है जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। इसमें आपको फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक मिलेंगे और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको बॉडी पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। अब इसके ORVM की तरफ चलते हैं, तो ORVM बॉडी कलर का दिया गया, ब्लैक भी थोड़ा बहुत दिया गया इसमें। और इसमें आपको LED लाइट्स भी दी गई है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये जो ORVM है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है और इंटरनली एडजस्टेबल है जो कि बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी बड़ा भी है। इसके डोर हैंडल देख सकते हैं आप, तो इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है और बॉडी कलर के ही डोर हैंडल मिल जाते हैं। इसमें आप क्रोम किट भी लगवा सकते हैं। इसमें आपको रूफ रेस मिल जाती है, बॉडी कलर की ही रूफ रेस मिल जाती है इसमें आपको, बहुत ही शानदार दी गई है। इसमें देखेंगे आप तो इसमें आपको रूफ एंटीना मिल जाता है, देख सकते हैं आप। ये जो है डीजल मॉडल है। इसमें रियर में भी देख सकते हैं ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, अलॉय व्हील्स आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कॉम्बिनेशन लाइट दी गई है, टेल लाइट जो है इसकी LED है, रियर डिफोगर भी इसमें दिया गया है, रियर स्पार्किंग कैमरा और रियर स्पार्किंग सेंसर भी इसमें आपको मिल जाते हैं। ये होंडा का लोगो है क्रोम के साथ में, बहुत ही बढ़िया। और ये i-DTEC की बैजिंग देख सकते हैं आप, डीजल पे वेरिएंट इससे आप पहचान सकते हैं। इसमें जो आपको दो इंजन मिल जाते हैं 1.5 लीटर के दोनों इंजन हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया पावर और परफॉर्मेंस देते हैं। इसमें जो है पेट्रोल आपका इंजन है वो आपको 119 NM का पावर देता है, 6600 RPM पे, 145 NM का टॉर्क देगा 6600 RPM पे। इसमें आपको 16 से 17 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। और डीजल में आपको 100 NM का 100 PS की पावर देगा 3600 RPM पे, और 200 NM का टॉर्क देगा 1750 RPM पे। इसमें आपको 21 का माइलेज देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी शानदार है। इसमें कलर की बात करें तो इसमें आपको वाइट स्टील मेटलिक, सिल्वर मेटलिक और रेड और ब्राउन कलर मिल जाएगा। टोटल 5 कलर ऑप्शन है जो कि बहुत ही शानदार है। सिल्वर कलर आप देख रहे हैं। देख सकते हैं आप टेल लैंप्स, LED टेल लैंप्स दिए गए हैं। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है BRV की बेजिंग देख सकते हैं आप। इसमें आपको 82 लीटर का फिल्टरिंग कैपेसिटी और जो है 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आता है। अब जो है इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर में देख लेते हैं क्या क्या मिल जाता है आपको। तो ये है इसकी की, लॉक अनलॉक का ऑप्शन है होंडा की बेजिंग के साथ में। इसमें आपको टॉप एंड वेरियंट में पुश स्टॉप बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट की भी मिल जाती है होंडा की। ये है इसका फ्रंट ड्राइवर साइड डोर, देख सकते हैं आप सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं इसमें डोर हैंडल पे। और
पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है आपको, स्पेस मिल जाती है थोड़ी बहुत, 1 लीटर वाटर होल्डर और बहुत सारी स्पेस मिल जाती है आपको। ये स्पीकर मिल जाता है आपको, टोटल 8 स्पीकर का जो है म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार साउंड देगा आपको। इसका जो डेस्कटॉप है उस पर आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलेगा, पूरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं आप। ये इसका स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक, किसी प्रकार के इसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिलते हैं। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर और साइड में फ्यूल मीटर इसको मिल जाता है। एमआईडी बहुत ही छोटा दिया गया है। ये इसका टचिंग सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, यूएसबी ऑक्स, ब्लूटूथ को कनेक्ट करता है। और इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, एसी का, एसी वेंट्स, सिल्वर फिनिश के साथ में आईआरवीएम दिया गया है, देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक है, ये रीडिंग लाइट दी गई है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, सनवाइजर में आपको दोनों तरफ देख सकते हैं आप। गाड़ी ओवरऑल बहुत ही स्पेशियस है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसकी प्राइस की बात करें तो 8 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, और टॉप मॉडल 15 लाख रुपए तक जाता है इसका। ये देख सकते हैं आप, 6 स्पीड का इसमें गियरबॉक्स मिल जाता आपको। इसमें जो है आपको बहुत ही अच्छी बढ़िया सीट फैब्रिक मिल जाती है, और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल गाड़ी का जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। इस टैंक पर सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये फ्यूल टैंक ओपनर यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। पूरा डेस्कटॉप जो है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस दी गई है, ये देख सकते हैं आप। अब जो है इसके रियर डोर को भी हम देख लेंगे, रियर में कैसी है गाड़ी। चलिए रियर में चलते हैं। तो ऐसा इसका फ्रंट डोर, पावर विंडो कंट्रोल और स्पेस मिल जाती है आपको, बॉटल होल्डर मिल जाता है आपको, सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाता है रिवर्स में भी आपको, पीछे में, रियर में भी आपको बहुत सारी स्पेस दी गई है इसमें आपको। प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है होंडा की। इसकी जो सीट अपोस्टी है वो आपको लेदर में मिल जाती है, रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते आपको। और जो है ग्रेब हैंडल इसमें दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। और रीडिंग लाइट दी गई है बीच में, सीट जो है काफ़ी अच्छी दिख रही है, कुशनिंग भी बहुत ही बढ़िया, स्पीकर दिए गए हैं। ओवरऑल काफ़ी वो गाड़ी स्पेशियस है। मैं आपको इसका नी रूम और हेडरूम दोनों दिखा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। देख सकते हैं आप नी रूम बहुत ही बढ़िया है, और इसका हेडरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, हेडरूम भी काफ़ी दिया गया है इसमें। इसकी सेफ्टी के बारे में बताता हूँ आपको, तो इसमें आपको एसी बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है, फ्रंट डुअल एसआरएस एयरबैग मिल जाएंगे, एबीएस ईवीडी मिल जाएगा, रियर पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा आपको, फ्रंट फॉग लैंप भी इसमें आपको मिल जाएंगे, सिक्योरिटी अलार्म मिल जाएगा, इनफ्रेक्स सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, रियर डिफोगर, फ्रंट सीट बेल्ट, प्री टेंशनर विथ लोड लिमिटर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, इमोबिलाइजर और ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।